वेल तो हे गाइस वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि हमें रेसलमेनिया 38 का नाइट वन का मेन इवेंट क्या देखने को मिलेगा। तो वेल इसको लेकर एक और अपडेट देखने को मिली है, सो उस थिंग के ऊपर बात करेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग बात करने वाले कि आज के मंडे नाइट रॉ में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, सो उन सारी थिंग्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड रेसलमेनिया 38 के स्टेज को लेकर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिला है, तो वेल उस थिंग के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो रेसलमेनिया 38 के लिए और भी मैचेस जो कि अनाउंस हो चुके हैं, सो उन सारी थिंग्स के ऊपर बात करेंगे। एंड और भी अच्छी खासी अपडेट्स होने वाली है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहां पे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द स्टेनर ब्रदर की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा था कि हमें रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि जो स्टेनर ब्रदर्स हैं वो हमें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड नाउ डब्ल्यूएल ने जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो स्टेनर ब्रदर्स हैं यानी कि रिक स्टेनर एंड ऑल्सो स्कॉट स्टेनर, तो ये हमें देखने को मिलेंगे हॉल ऑफ फेम में डब्ल्यूडी के 2022 के, जो कि ऑफकोर्स काफी अच्छी बात देखने को मिल रही है। वैसे किसी ने सोचा नहीं था कि भाई स्कॉट स्टेनर भी जो कि हमें डब्ल्यूडी के हॉल ऑफ फेमर बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि ऑफकोर्स काफी अच्छी खासी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके सो चलते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है विंस मैकमैन के बैड एस टी शर्ट की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि विंस मैकमैन का जो कि हमें द पैट मैकाफी शो में काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने को मिला था, वेल जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड में वीडियो भी बना रखा है जो कि हिंदी में, तो ऑफ कोर्स अगर चेकआउट करना है तो भाई चेक भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो बात करें तो वेल वहां की तरफ से हमें काफी इंटरेस्टिंग एक वर्ड देखने को मिला था जो कि विंस मैकमैन ने कहा था। एंड उनका ये कहना था कि पीपल थिंक आई एम इन अ डैश हॉल, एंड इसके बाद उसके बाद कहते थे कि कांग्रेचुलेशन आई एम यानी कि मैं हूँ। सो ऐसा कुछ जो कि हमें विंस मैकमैन की तरफ से देखने को मिला था पैट मैकाफी के शो में। एंड इसके ऊपर इस वर्ड के ऊपर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग टी शर्ट भी देखने को मिल चुका है जैसा कि तुम देख सकते हो। एंड आई विल विंस मैकमैन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग काफी अच्छी खासी बात हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स यार मतलब काफी बैडस टी शर्ट देखने को मिल रहा है। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडी के ट्रेडमार्क को लेकर। डब्ल्यूडी की तरफ से हमें ट्रेडमार्क देखने को मिला है ईएसटी का एंड एक्नॉलेज का एंड ऑल्सो ट्राइबल चीफ का, इन तीनों का हमें ट्रेडमार्क देखने को मिला है जो कि एक तो बियांका ब्लेयर का है एंड ऑल्सो एक्नॉलेज तो हम लोग सभी लोग जानते हैं वो रोमन रेंज का है एंड ट्राइबल चीफ भी रोमन रेंज का है, तो इनका हमें ये जो कि देखने को मिल रहा है ये ट्रेडमार्क देखने को मिल चुका है जो कि डब्ल्यूडी की तरफ से। एंड ऑफकोर्स काफी अच्छी खासी बात हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है रेसलमेनिया 38 के स्टेज को लेकर। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रेसलमेनिया 38 का जो हमें स्टेज देखने को मिलेगा वो हमें इस हफ्ते जो कि फ्राइडे को रिवील होते हुए दिखाई देगा। सो ये मैं अपने इंडिया के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं कि हमें ये देखने को मिलेगा फ्राइडे को। एंड ऑल्सो यूएसए की बात करें तो वो हमें थर्सडे को यानी कि गुरुवार को ही देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफकोर्स जो कि हमें डूड परफेक्ट की तरफ से देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल स्टेज रिवील हो ही जाएगा, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड उसके पहले हो सकता है कि हमें कुछ फोटोज भी जो कि लीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे डब्ल्यूडी की तरफ से काफी खतरनाक सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, इसकी वजह से एटीएनटी स्टेडियम से जो कि हमें स्टेज लीक होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, जो कि ऑफकोर्स काफी अच्छी खासी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो देखना अब इंटरेस्टिंग रहा कि भाई हमें स्टेज कैसा देखने को मिलता है, एंड अगर स्टेज का फोटो लीक होता है तो ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ पे इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमें अमेरिका द ब्यूटीफुल का सॉन्ग देखने को मिलता है, जो कि हमेशा रेसलमेनिया शुरू होती है उसके पहले हमें जो कि अमेरिका द ब्यूटीफुल का सॉन्ग देखने को मिलता है, जो कि सुपरस्टार्स यानी कि जो भी सुपरस्टार्स रहते हैं बाहरी सुपरस्टार जो कि सिंगर रहते हैं वो आके गाते हैं, जो कि उनका हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो वेल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो कि रिवील कर दिया कि हमें कौन से सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे, तो वेल यहाँ पे हमें जो सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले जो कि अमेरिका द ब्यूटीफुल गाने वाले हैं एंड वो देखने को मिलेंगे जेसी एंड ब्रैंटली, जो कि ये दोनों सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि हमें गाते हुए दिखाई देंगे अमेरिका द ब्यूटीफुल, जो कि ऑफकोर्स काफी अच्छी खासी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो वैसे चलते हैं नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो वेल ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, सो ये है बॉबी लैशली की तरफ से। सो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो बॉबी लैशली हैं आज उनका हमें रिटर्न देखने को मिला मंडे नाइट रॉ के अंदर एंड वो ओमास को जो कि कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं। एंड ऑल्सो इसके बाद तो बॉबी लैशली वर्सेस ओमास का जो मैच है वो हमें कंफर्म होते हुए दिखाई दे चुका है रेसलमेनिया 38 के अंदर, तो बॉबी लैशली वर्सेस ओमास जो कि हमें देखने को मिलेगा जो कि रेसलमेनिया के अंदर। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि ये बॉबी लैशली एंड ओमास वाला जो मैच है वो हमें नाइट टू में देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो इसके बाद तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक और मैच कन्फर्म होते हुए दिखाई देता है एंड ये मैच है कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड्स का मैच देखने को मिलेगा एंड ये मैच होगा जो कि रिज हॉलैंड एंड सेमस के साथ में एंड ऑफकोर्स
यहाँ पे हमें बुच लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो रिंग साइड पे खड़े होंगे क्योंकि बिग ई तो इंजर्ड है, नहीं तो हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता। तो यहाँ पे हमें जो कि टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल ये हमें जो कि सैटरडे को देखने को मिलेगा यानी कि नाइट वन में, तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ऑल्सो सेथ रॉलिंस के मीटिंग का भी कंक्लूजन देखने को मिल चुका है। सो जैसा कि आप लोग को बता दूँ कि हमें सेथ रॉलिंस के मीटिंग में ये देखने को मिला कि सेथ रॉलिंस का हमें नाइट वन में कोई अपोनेंट देखने को मिलेगा। यस ऑफकोर्स सेथ रॉलिंस का हमें जो मैच देखने को मिलेगा वो नाइट वन में देखने को मिलेगा। एंड नाइट वन में हो सकता है कि हमें उनका अपोनेंट रिवील होते हुए दिखाई दे जाए। एंड विंस मैकमैन यहाँ पे कंफर्म करते हुए दिखाई देते हैं कि सेथ रॉलिंस का मैच तो देखने को मिलेगा रसलमेनिया में, एंड वो भी नाइट वन में देखने को मिलेगा, लेकिन जो अपोनेंट होगा वो पिक करेंगे विंस मैकमैन एंड वो पिक करके भेजेंगे। एंड इसके बाद सब सेथ रॉलिंस जो कि अपना एंट्रेंस कर लेंगे, तो उसके बाद उनको पता चलेगा जब दूसरा सुपरस्टार आएगा कि वो कौन सा सुपरस्टार होने वाला जो फेस करेगा जो कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। सो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि ऑफकोर्स काफ़ी बड़ी बात हमें देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो हम सभी लोग जानते हैं कि वो सुपरस्टार कौन होने वाले हैं, वो होंगे कोडी रोड्स ऑफकोर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना जो कि हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स जो कि नाइट वन में देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे अपडेट ये भी देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि हमें जो सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का मैच है वो हमें नाइट वन का मेन इवेंट भी करते हुए दिखाई दे सकता है। सो ये अपडेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स अगर मेन इवेंट होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, लेकिन हो सकता है कि जो रॉयल रंबल जीता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रोंडा राउजी ने, अगर वो मेन इवेंट करती है तो वो परफेक्ट रहेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स भी होता है तो ये भी काफ़ी बेस्ट रहेगा। लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है, लेकिन ये फिलहाल अपडेट देखने को मिला है। एंड ऑल्सो अपडेट ये भी है कि जो कि रसलमेनिया नाइट वन का जो मेन इवेंट है उसके लिए बार बार प्लान्स को चेंज किए जा रहे हैं। तो लेट्स सी वैसे हमें मेन इवेंट देखने को क्या मिलता है जो कि रसलमेनिया नाइट वन का। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे प्लान्स बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो आज के मंडे नाइट रॉ की बात करें तो पहले तो हमें ब्रॉक लेसनर शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमें वॉट चेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई देती है। बट ब्रॉक लेसनर जो कि क्राउड को कैसे न कैसे करके हैंडल करके इसके बाद तो ऑफकोर्स वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो डबल चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे रसलमेनिया नाइट टू के अंदर। एंड ऑफकोर्स ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दैट्स इट, हमें इनका बस यही प्रोमो देखने को मिला। एंड इसके बाद हमें फिर थोड़ी देर बाद तो रोमन रेंस भी देखने को मिलते हैं जो कि एक दो मैच होने के बाद जो कि हमें रे मिस्टीरियो और इन सभी का मैच हो जाता है। सो उसके बाद हमें जो कि रोमन रेंस भी देखने को मिलते हैं। एंड रोमन रेंस भी यही दावा करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वॉट चैंट्स देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पर जो रोमन रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला उनको कह देते हैं कि भाई अगर ज़्यादा वॉट करोगे तो मैं स्मैश कर दूंगा। तो ऐसा कुछ थिंग देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को ऑफकोर्स मैं हराने वाला हूँ। तो दोनों सुपरस्टार अपना एक एक प्रोमो कट करके जाते हैं। इनके बीच में ना कोई ब्रॉल देखने को मिला, ना कोई सेगमेंट देखने को मिला, ना कोई फेस ऑफ देखने को मिला। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि ऑफकोर्स ये भी काफ़ी अच्छा खासा बात है, क्योंकि ऑफकोर्स बार बार फेस ऑफ देखने को मिलेगा तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो रहेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूर रखा है रसलमेनिया के पहले। तो लेट्स सी वैसे हमें स्मैकडाउन के अंदर कुछ देखने को मिलेगा इनके बीच में या फिर नहीं, या फिर डायरेक्टली हमें रसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ऑल्सो हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये देखने को मिलता है कि भाई बेकी लिंच का बियांका ब्लेयर ने हेयर काट दिया। वैसे तो बियांका ब्लेयर को कैची लेके आती है, मतलब बियांका ब्लेयर का हेयर काटने के लिए बेकी लिंच, लेकिन बेकी लिंच का ही बेचारी का हेयर कट जाता है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस राइवलरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऑफकोर्स हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इनके बीच में हेयर वर्सेस हेयर मैच भी देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ऑल्सो बात कर ले तो हमें कुछ ज़्यादा ट्रॉ शुरुआती काफ़ी बढ़िया था, केविन ओवेंस का सेगमेंट काफ़ी परफेक्ट था, ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट काफ़ी परफेक्ट था, रोमन रेंस का सेगमेंट काफ़ी परफेक्ट था। एंड ओवरऑल सारा कुछ अच्छा देखने को मिला, लेकिन सेथ रॉलिंस हमें नहीं देखने को मिले, सिर्फ हमें जो कि विंस मैकमैन एंड सेथ रॉलिंस के ऑफिस वाला जो वीडियो पैकेज देखने को मिला वहीं पे सेथ रॉलिंस देखने को मिले। एंड ऑल्सो मंडे नाइट रॉ का जो मेन इवेंट था वो आरके ब्रो वर्सेस दी उसोस का था। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमें कुछ अच्छा खासा देखने को मिला, जो कि मेन इवेंट काफ़ी अच्छा खासा एंड हुआ, लेकिन होप था कि यहाँ पे हो सकता है कि मेन इवेंट रोमन एंड ब्रॉक का देखने को मिल जाता एंड और भी कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा खासा मंडे नाइट रॉ था। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इन सारी थिंग्स के ऊपर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।